बहुत लोग पूछते हैं कि ये टक्यार वाली नंबर प्लेट कैसे मिलती है। दीज आर द मोस्ट नेगेटिव ऑफसेट व्हील्स जो मैंने अभी तक देखे हैं किसी गाड़ी पे, एंड आई नो दे आर सुपर एक्सपेंसिव, बट PCR आ गई, पुलिस वाले आ गए, कह रहे यहाँ पर अलाउड नहीं है। दिख रही पीछे PCR गाड़ी है। एक चीज जो बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भैया आप डिक्की कैसे खुलेगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइज, आज का वीडियो सबसे मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट डिमांडेड वीडियो अपने चैनल पे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपनी थार की, यानी कि अपने झोटे की मॉडिफिकेशन की प्राइसेस के बारे में। सबसे पहले तो आई एम ग्लैड कि भाई अपनी टीम टक्यार को मेरी थार की मॉडिफिकेशन इतनी पसंद आई, हमारी झोटे का वर्जन 1 इतना ज्यादा पसंद आया, आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया एंड अपने सजेशंस भी दिए कि ये कराओ ये ना कराओ। जो जो मैंने आप लोगों से चीजें पूछी आपने सब चीजों को कमेंट सेक्शन में जवाब दिया एंड अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया हमारी मॉडिफिकेशन के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अब जल्दी से चलते हैं, अपने छोटे को बाहर निकालते हैं, गाड़ी का एक वॉक अराउंड करेंगे, सारे मॉड्स के बारे में बात करेंगे एंड आप सबको प्राइसेस बताएंगे हर चीज की एंड कहां से क्या चीज कराई थी, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर थार बायर्स हैं, अभी एग्जिस्टिंग थार ओनर्स हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो जाए और जिस जिसको मॉडिफिकेशन का शौक हो और जिस जिसको मेरी थार पसंद हो उनको समझ आ जाए क्या चीज कहां से कराई है एंड आप लोगों को क्या चीज कहां से करानी है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑनलाइन थलाइवा गेमिंग के बारे में। आप सबको याद होगा मैंने आपको अपनी एक पैसिव इनकम बनाने का तरीका अपने एक पास वीडियो में बताया था। मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इस प्लेटफॉर्म पर सिंपल गेम्स खेलकर जीत सकते हो और एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। थलाइवा आपको प्रोवाइड करता है 24/7 डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स एंड कस्टमर सपोर्ट, मतलब कि आप अपनी विनिंग्स कभी भी विड्रॉ कर सकते हो एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो इनका विड्रॉल का प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही इजी है एंड गाइस बस 15 मिनट में आपकी विनिंग्स आपके अकाउंट में आ जाती है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा एक नई गेम के बारे में जो की है एविएटर, जो की रिसेंटली इनकी वेबसाइट पर एड हुई है। ट्रस्ट मी, आपको इससे इजी पैसिव इनकम क्रिएट करने का तरीका और कहीं भी नहीं मिल सकता। मैंने पर्सनली ये गेम खेला है एंड मैंने विद इन 20 मिनट्स अपने डिपॉजिट्स को 5 गुना बढ़ा दिया। तो लेट मी शो यू हाउ टू प्ले दिस गेम। तो गाइस आपको राउंड स्टार्ट होने से पहले बेट प्लेस करनी है, फिर आपको प्रिडिक्ट करना होगा कि एविएशन कब तक होगी। इसमें आपको कैश आउट का ऑप्शन मिलता है, अगर आप प्लेन के गायब होने से पहले कैश आउट करते हैं तो आपको उतने टाइम का मल्टीप्लायर रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि मैंने 3.16x पर कैश आउट किया है तो मेरी विनिंग उतने से मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इजी गेम है एंड आप भी मेरी तरह एडिशनल इनकम अर्न कर सकते हो। तो गाइस अभी आईडी बनाए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मैसेज करके और मेरा कोड टक्यार यूज करने पर आपको मिलेगा 10% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट और एवरीडे आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर 10% बोनस ऑन योर मैनुअल डिपॉजिट एंड 300% बोनस इन योलो 247। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, जल्दी से ग्रैब करें ये मौका और बनाएं एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम। सब जल्दी से चलते हैं शूट लोकेशन पे। सो गाइस आई एम एट द शूट लोकेशन नाउ और मेरे सामने है मेरी जानेमन, आप सबकी फेवरेट, हमारा झोटा, हमारी थार। और अब मैं आपको बताने वाला हूं इसमें जितनी भी अभी तक मॉडिफिकेशंस हुई हैं इसकी प्राइसेस एंड माइंड यू दिस इज वर्जन 1। मैंने बताया था गाड़ी के 2-3-4 वर्जंस भी हो सकते हैं जिसमें हम हर लेवल के साथ मॉडिफिकेशन का लेवल भी एक लेवल ऊपर लेके जाते जाएंगे। तो या दिस इज वर्जन 1 एंड इसमें अभी तक ज्यादातर कॉस्मेटिक मॉड्स ही हुए हैं, कुछ अभी परफॉर्मेंस मॉड नहीं हुए इसमें। वो भी मैं आपको साथ साथ जब पूरा ओवरव्यू दूंगा गाड़ी का आपको सारे एक्सप्लेन करके चलूंगा, तो स्टे ट्यून्ड, पूरा वीडियो देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एंड हमारे जितने भी थार वाले भाई हैं या फिर जितने भी थार लेना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं और जिनको थार की मॉडिफिकेशन का शौक है उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट से, क्योंकि जब भी आप गाड़ी को देखते हो सबसे पहले फ्रंट ही सामने आता है एंड एज यू कैन सी बहुत ही मेनेसिंग लुक है इसकी, आप एक तरीके से कह सकते हो छोटी रैंगलर ही लगती है ये। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। सबसे पहले तो जो इसमें फ्रंट ग्रिल है ये मैंने बिम्ब्रा 4x4 से लगाई है, इसकी MRP आई थिंक 7500 रुपीज है, 7500। और उसके बाद जो ये फ्रंट बंपर है इसकी प्राइस थी 40,000 रुपीज। अब आप लोग सोच रहे हो कि लोहे का बंपर और इतनी ज्यादा प्राइसिंग, भाई एक तो बिम्ब्रा की क्वालिटी है, आप देख सकते हो फिट एंड फिनिश बंपर की कितना एलिगेंट लगता है और ऐसा लगता है कि फैक्ट्री से ही ऐसा आया हो, इतनी अच्छी फिट एंड फिनिश है। सो या इट इज वेल वर्थ द प्राइस। ऊपर से भाई बंपर पे है लाइनेक्स कोटिंग विच इज सुपर एक्सपेंसिव, तो अगर आप बिना लाइनेक्स के लोगे तो ये बंपर थोड़ा सा चीप पड़ जाता है, बट विद लाइनेक्स कोटिंग ये 40,000 रुपीज का पड़ा था अपने को। उसके बाद जो मेन चीज सामने आती है वो है ये हमारी हेडलाइट्स। ये हेडलाइट्स भी हमने बिम्ब्रा 4x4 से ही लगवाई थी और इनकी प्राइस थी 26,000 रुपीज। और अब आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्टर्स पे। भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर किसी के पास भी थार है ना, अपने स्टॉक वाले जो फॉग लैंप्स आते हैं वो निकाल के फेंक दो लिटरली और ये लगा लो, इसकी इतनी अच्छी विजिबिलिटी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल है। 15,000 के थे ये प्रोजेक्टर्स, बट दे आर वेल वर्थ द मनी। और थार में वैसे यहाँ पर DRLs आते हैं, हमने ये भी इसका चेंज करा हुआ है, हमने ये पूरा पैनल ही निकाल के दूसरा लगाया, इसमें पूरी में और ब्राइटर व्हाइट LED है और ये भी हमने बिम्ब्रा से लगवाया था, इसकी प्राइसिंग थी 3,500 रुपीज। ये भी अच्छी चीज है, इसकी भी भाई रोशनी बहुत अच्छी है, बट कोई विजिबिलिटी वगैरह में हेल्प नहीं करता, कॉस्मेटिक है प्योरली, बट ठीक है, वेल वर्थ द मनी, छोटा सा मॉड है ये। सो फ्रंट पे मैंने आपको बता दिया बंपर का प्राइस, फॉग लाइट्स का प्राइस, हमारी हेडलाइट का, हमारी ग्रिल का एंड हमारी जो ये DRLs हैं इनका। अब थोड़ा सा साइड पर आ जाते भाई, जो मेन अट्रैक्शन है अपनी झोटे का, जो मेन चीज जो इसको एक्चुअल में इसका स्टांस देती है क्रेजी वाला, दैट इज द व्हील्स। और एक मिनट मैं क्या करता हूं, मैं दूसरी साइड आ जाता हूं क्योंकि इस साइड इतनी रोशनी है नहीं तो व्हील्स आपको क्लियरली दिखेंगे नहीं, इस साइड आपको बताता हूं। और एक और चीज भाई, बहुत लोग पूछते हैं कि ये टक्यार वाली नंबर प्लेट कैसे मिलती है या फिर ये रियल नंबर है या नहीं है। भाई एक चीज बताता हूं, दिस इज
जस्ट अ वैनिटी प्लेट, ये हम लगाते हैं शूट्स वगैरह में, हमें ब्लर ना करनी पड़े। वैसे गाड़ी का वीआईपी नंबर ही है, पेड नंबर ही है गाड़ी पे, बट नंबर वगैरह लीक वगैरह ना हो इस चक्कर में हमें टकियार वाली प्लेट लगाते हैं जस्ट फॉर शूट्स। एंड इसको लगा के गाड़ी वगैरह चला नहीं सकते, तो क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भैया अपने सरनेम वाली प्लेट कैसे ली। कई लोग पूछते हैं मैं कैसे ले सकता हूं, इंडिया में होती है, भाई इंडिया में अपने सरनेम वाली प्लेट्स नहीं ले सकते। बड़े टाइम से सोचा था एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं, दिस इज जस्ट अ वैनिटी प्लेट, हम शूट्स में लगाते हैं ताकि नंबर गाड़ी का लीक ना हो और मैं तंग ना हूं और लोग मेरे ऑफिस पे ना आ जाएं इसके नंबर के थ्रू। सो या अब इस साइड आ जाते हैं, अब आपको व्हील्स थोड़े और क्लियरली दिख रहे होंगे। सॉरी गाइज, हम एक शूट से पहले आ रहे थे तो हमारे कैमरा का मेमोरी कार्ड फुल हो गया और उत्सव भाई साहब हमारे एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लाए नहीं, तो हम फोन पे आ गए। सो आगे का वीडियो होने वाला है फोन से, हो सकता है आपको ऑडियो क्वालिटी में और वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस लगे, बट ये 4K में ही है, ऑडियो क्वालिटी में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, बट प्लीज बेयर विद अस। सो या कमिंग बैक टू द व्हील्स, दीज आर 20 inches एंड 12J वाइड है, एंड जो इनको ऑफसेट है, ऑफसेट यानी कि ये व्हील्स कितने गाड़ी की बॉडी के बाहर निकलते हैं आप देख सकते हैं। सो दिस इज -44 ऑफसेट, मेरे हिसाब से -44 से ज्यादा ऑफसेट के व्हील्स आते भी नहीं है मार्केट में, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखे, आते हो नहीं आते हो पता नहीं, बट These are the most negative offset wheels जो मैंने अभी तक देखे हैं किसी गाड़ी पे, and these are the widest wheels जो मैंने अभी तक किसी थार पे देखे हैं, these are 12J। और इसके अलावा अगर टायर की बात करें तो मैंने इस पे रडार रेनेगेड RT प्लस टायर लगाया है, सेम हमारी एंडेवर में, दिस इज एन अमेजिंग टायर, बहुत बढ़िया है, और हमने इसको बहुत ऑफ रोड यूज करा है, हमने इसको ओवर लैंडिंग में यूज करा है, आइस मड स्लश हर जगह ब्लैक आइस यूज करा है, इस टायर ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। सो या दिस इज अ वेरी गुड टायर। और अब इनकी प्राइसिंग पे आ जाए तो जो व्हील्स है, 5 का सेट, 4 की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, 5 व्हील्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा स्पेयर व्हील है वो भी चेंज है, सो दीज कॉस्टेड मी 3.5 lakh rupees। yes guys, 3.5 lakh रुपए के रिम्स हैं, एंड आई नो दे आर सुपर एक्सपेंसिव, बट अगर आप लोग ये ऑर्डर करो, आप लोग इसको और सस्ते में ऑर्डर कर सकते हो। अब आप पूछोगे कैसे, देखो मैंने ये व्हील्स करे थे बाय एयर ऑर्डर, क्योंकि हमें बंपर डिजाइन करना था, तो बंपर के लिए हमें व्हील्स का नाप चाहिए था, टायर और व्हील्स का ओवरऑल डायमेंशन क्या आएगा, एंड हमें ये टायर कैरियर डिजाइन करना था, तो हमें व्हील्स बहुत अर्जेंट बेसिस पे चाहिए थे, नहीं तो हमारी गाड़ी का प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाता, तो मैंने इसको बाय एयर मंगाया था। अगर आप लोग इसको बाय शिप मंगाओगे तो ये आपको बहुत सस्ते पड़ जाएंगे, अराउंड मेरे ख्याल से 3 या हो सकता है 3 लाख के नीचे भी पड़ जाए, बट 3 के आसपास के पड़ जाएंगे, तो 50,000 का डिफरेंस है। सो अगर टायर्स की प्राइस की हम बात करें तो ये टायर्स मेरे को कॉस्ट करे थे 30,000 rupees पर टायर। देखो ये इंपोर्टेड टायर्स हैं, आप सबको पता ही होगा इंपोर्ट बैन हो रखा है टायर्स का, बैन भी नहीं बहुत रिस्ट्रिक्ट हो रखा है, तो जो इंपोर्टेड टायर्स हैं उनकी प्राइसिंग बहुत हाई हो रखी है, तो ये कभी टायर 27,000 का मिलता, कभी 28 का, जब मैंने लिया तब मुझे 30,000 का मिला। सो या 5 टायर्स मेक्स इट 1.5 lakh rupees, सो या 3.5 के लॉयज प्लस 1.5 के टायर्स, तो 5-1 lakh रुपए का ये सेट पड़ा था अपने को, 5 lakh का नहीं गाइस सॉरी, जो हमारे स्टॉक व्हील्स थे वो मैंने 50,000 के आई थिंक वापस कर दिए थे, कटवा लिए थे, तो 4.5 lakh के पड़े, टेक्निकली प्राइस 5 lakh है, बट अगर आप अपने स्टॉक व्हील्स दोगे उसमें भी डिपेंड करता है, अगर आपकी कंपनी से महिंद्रा ने आपको C8 के टायर्स दिए तो उसकी बायबैक है विद अलॉयज 40-44,000 के आसपास, मेरे गाड़ी में लकीली MRF थे तो उसको 50,000 में भी कई शोरूम वाले बायबैक कर लेते हैं, तो मैंने अपने स्टॉक व्हील्स 50,000 के इसमें लेस करा लिए थे, तो मेरे को 4.5 lakh के पड़े। अब हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे हैं तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जो फेंडर्स है हमारी गाड़ी के ये भी स्टॉक नहीं है, थार में ये फेंडर ऐसा आता है स्क्वेरिश शेप में और पीछे वाला राउंड आता है, आप देख रहे होगे दूर से, अगर मैं दिखाऊं तो हमारे दोनों फेंडर ऐसे स्क्वेरिश शेप में ही है, दीज आर ऑल्सो आफ्टर मार्केट, एंड ये भी हमने बिम्ब्रा 4X4 से लगवाए हैं, एंड ये भी लाइनेक्स कोटेड है, आप देख सकते हो इस पे भी लाइनेक्स हुआ हुआ है, तो इसकी कॉस्ट अपने को पड़ी थी 18,000 rupees विद लाइनेक्स। और अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो आप देख सकते हो गाड़ी में रॉक स्लाइडर्स भी चेंज है, यानी कि जो महिंद्रा की तरफ से स्टेपर आता था वो हटा के हमने रॉक स्लाइडर्स लगाए हुए हैं, तो इन रॉक स्लाइडर्स की प्राइस थी 18,000 rupees विद लाइनेक्स ही अगेन ये। एंड अगर आप इसके अब थोड़ा सा ऊपर आओ, आप लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर थार में वैसे प्लेन बॉडी होती है, यहाँ पर हमने इस पे एक क्लैडिंग लगाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर लगती है और साइड प्रोफाइल को एक अच्छी डेप्थ दे देती है, काफी अच्छी लगती है ये गाड़ी पे। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो विद पेंट ये 15,000 rupees कॉस्ट करती है, एंड ये भी हमने बिम्ब्रा 4X4 से ही करवाया है। और यहाँ पर आप पीछे वाला फेंडर भी देख सकते हैं, राउंड होने की जगह स्क्वायर लुक में है, तो दोनों स्क्वायर हो जाते हैं तो काफी अच्छा लगता है। अब फेंडर के जस्ट ऊपर आप ये फ्यूल लिट देख रहे होंगे, ये प्योरली एस्थेटिक मोड है, इसकी कॉस्ट आई थिंक 2,000 rupees थी, बट ठीक है गाड़ी पे सूट करता है, थोड़ा सा एक रफ एंड टफ लुक देता है और गाड़ी को। भाई अभी हम शूट कर रहे थे अपनी थार का, PCR आ गई, पुलिस वाले आ गए, कह रहे यहाँ पर अलाउड नहीं है ये वो, पता नहीं मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, देखो अभी कह रहे हैं 2 मिनट बताते हैं आपको यहाँ शूट करना अलाउड है या नहीं है, क्या होता है, दिख रही पीछे PCR खड़ी है। तो अगर नहीं अलाउ करा भाई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि आधी वीडियो यहाँ शूट हो चुकी है और बाकी आधी अलग लोकेशन पर करेंगे, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो देखते हैं, मान जाए बढ़िया है फिर यहीं पर शूट कंप्लीट करके पूरी वीडियो डाल लेंगे, नहीं तो हमें दोबारा से सारी वीडियो शूट करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे बढ़िया लोग लग रहे हैं, बढ़िया आदमी लग रहे हैं दोनों, मान जाएंगे प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे तो। तो भाई जैसा कि मैं अपनी जिंदगी में कहता हूँ, प्यार से सारे काम होते हैं, मैंने प्यार से उनको रिक्वेस्ट करी, मैं कहा जी मेरी मेहनत सारी खराब हो जाएगी, मैंने 20-25 मिनट यहाँ गर्मी में लगे आधा वीडियो बनाया, अगर आप अभी मना कर दोगे तो मेरे को शुरू से दोबारा लेना पड़ेगा। कह रहे ठीक है भाई आपकी मेहनत हम खराब नहीं होने देंगे, कोई टेंशन, उन्होंने अंडरस्टैंड करा, बहुत ही बढ़िया लोग थे भाई, जेमो वो पर्सन, सारे पुलिस वाले ऐसे हो जाना तो मजा आ जाए। अब करते हैं अपनी थार का शूट कंटिन्यू। सो गाइस अगर हम गाड़ी की अब बैक साइड पे आ जाए तो आप देख सकते हो उधर हमारा मैसिव टायर कैरियर, एंड ये पहले मुझे लग रहा था अपनी टीम टायर को पसंद नहीं आएगा, पर आप लोगों को इतना पसंद आया है, एंड एक्चुअली लुक्स गुड आज कार्स
पैसन कॉफी पे गए थे, वहां पर भी कई लोगों ने बोला भैया वीडियो में इतना जस्टिस नहीं करता, जो ये रियल लाइफ में खतरनाक लगता है। एंड ये प्योरली एस्थेटिक मोड नहीं है, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप तब बड़ा और भारी व्हील इस डिक्की पे लगा देते हो तो एक खड़खड़ बचता और बहुत आवाज करता और बहुत इरिटेटिंग हो जाता है एक टाइम के बाद। तो ये लगाने का बेनिफिट ये है कि इतना बड़ा और इतना भारी व्हील भी खड़खड़ नहीं करता पीछे, एंड ऑब्वियसली एस्थेटिक पर्पसेस है, इट लुक्स रियली गुड। एंड एक और पर्पस था हमारा ये लगाने का, इट वाज अ ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला भाई, तो ये भी एक रीजन था ये लगाने का। सो या दीज वर द रीजंस। एंड अगर इस टायर कैरियर की प्राइस की बात करें तो दिस कॉस्ट मी 20,000 रुपीज, ये कस्टम बिल्ट है एंड ये भी बिम्ब्रा 4X4 ने ही हमारे लिए बनाया है विद लाइनेक्स, इसकी प्राइस 20,000 रुपीज थी। और इसके अलावा अब हम रियर बंपर की बात करते हैं अगर, तो रियर बंपर भी हमें कॉस्ट करा है 40,000 रुपीज विद लाइनेक्स, एंड ये बिम्ब्रा के कैटलॉग से ही है, दिस इज नॉट अ कस्टम बंपर, बिम्ब्रा के कैटलॉग से ही है एंड बहुत सुंदर तरीके से हमारे इस टायर कैरियर के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। पीछे आप लोग एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि टेल लाइट्स भी चेंज्ड हैं। सो या दीज वर फ्रॉम माइंड ऑटो मोड्स, हमारे तुषार भाई ने लगाई थी, मेरे को प्राइसिंग एक्जैक्टली इसकी याद नहीं क्योंकि मैंने टोटल बिल दिया था, तो प्राइसिंग मैं इस वक्त स्क्रीन पर लगा दूंगा। एंड ये जो फॉग लाइट्स हैं ये भी चेंज्ड हैं, ये भी तुषार भाई ने ही लगाई थी, इनकी प्राइसिंग स्क्रीन पर आ रही होगी क्योंकि मुझे इस वक्त इसकी प्राइसिंग याद नहीं है। एक चीज जो बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भैया आप डिक्की कैसे खुलेगी, ये बहुत लोगों को डाउट है, तो आज क्लियर कर देता हूं ये डिक्की कैसे खुलेगी। भाई आप लोग यहां पर देख सकते हो ये पिंस हैं, ये पिंस निकालो आप, ठीक है, दोनों पिंस निकालो यहां से एंड ये टायर कैरियर ऐसे बाहर को फोल्ड आउट हो जाता है, नीचे आ जाता है। थोड़ा सा कंबरसम है, आई थिंक कोई अगर ज्यादा दम वाला बंदा नहीं होगा तो वो अकेले नहीं कर सकता, बिकॉज़ द व्हील इज टू हैवी। मेरे लिए अकेले करना बहुत आसान है, मैं कर सकता हूं इसको खोल के आराम से, व्हील अगर निकालना है बाहर, टायर चेंज करना है तो इजीली हो सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो इट इज वेरी इजी, ये ऐसे फोल्ड होकर बाहर आ जाता है। मैं यहां पर स्क्रीन पर एक क्लिप भी लगा दूंगा, जब बन रहा था हमने करके भी दिखाया था। एंड नीचे अगर आप यहां पर देखें तो आप कैमरा देख सकते होंगे, तो ये कैमरा महिंद्रा की एक्सेसरी थी, आई थिंक इसका कॉस्ट 4,000 रुपए था, 4,500 रुपए था। एंड यहां पर हमने एक और अलग से कैमरा लगाया, इसमें मैं बाद में आऊंगा, तो आप पीछे दो रियर कैमरास देख सकते हो। अब जरा वापस आ जाते हैं इस साइड पर गाड़ी के, आप लोग देख सकते हो दिस इज अ स्नॉर्कल एंड दिस इज अ वर्किंग स्नॉर्कल, ये डमी स्नॉर्कल नहीं है, दिस एक्चुअली वर्क्स, इट इज कनेक्टेड एंड इस पे भी लाइनेक्स कोटिंग हुई हुई है। इसकी प्राइस थी 12,500 रुपए एंड ये भी बिम्ब्रा 4X4 से ही लगाया है हमने। आप यहाँ पर दोबारा से क्लैडिंग देख सकते हो, लुक्स एब्सोल्युटली गुड, ये टायर्स, क्लैडिंग, रॉक स्लाइडर, स्नॉर्कल, ये साइड प्रोफाइल गाड़ी की बहुत ही सुंदर बना देते हैं। चलो भाई अब एक्सटीरियर की बात तो बहुत ज्यादा हो गई है, जरा इंटीरियर पे आ जाते हैं, गाड़ी अनलॉक कर देते हैं। इंटीरियर में वैसे अभी हमने ज्यादा काम कराया नहीं क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं है इंटीरियर्स का, बट आप लोग देख सकते हो दिस इज अ स्टॉक इंटीरियर एंड इधर ये जी वैगन वाले वेंट्स लगाए हैं, ऑब्वियसली दे लुक रियली गुड। इसकी एक रिप्लेसमेंट भी आ गई है, इन वालों में एयर फ्लो रुकता है, वो रिप्लेसमेंट मेरे घर पे पड़ी है, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा ये वाले निकाल के, बस वो वाले लगाने। ये भी तुषार ने ही लगाए थे फ्रॉम माइंड ऑटो मोड्स, दिस लुक्स रियली गुड। गाड़ी में इंटीरियर लाइटिंग भी है, यहाँ पर मैं थोड़े शॉट्स लगा दूंगा इंटीरियर के, रात में कैसे लगती है। एंड एक चीज भाई, हर थार ओनर को जो बहुत जरूरी लगाने की है वो है ये पाउच, यहाँ पर हैंडल पे जरूर लगाना, ये भी हमने बिम्ब्रा 4X4 से लिया था, मेरे ख्याल 5,500 इसकी कॉस्ट थी। दिस इज वेरी यूजफुल, सिंस थार बहुत छोटी गाड़ी है, इसमें ज्यादा स्टोरेज की जगह है नहीं, तो ये आपकी गाड़ी की इंटीरियर स्टोरेज बहुत इंप्रूव कर देती है। सो दिस इज अ मस्ट हैव मोड फॉर माय ब्रदर्स हु हैव अ थार और हु आर प्लानिंग टू बाय अ थार। एंड ये इस ग्रैब हैंडल पे लग जाता है इजीली, तो ये अजीब भी नहीं लगता, सुंदर भी लगता है एंड यूजफुल भी बहुत ज्यादा है। और अब मैं अगर थोड़ा सा ऊपर आऊं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल्स लगे हुए हैं, दीज आर ऑल्सो बाय बिम्ब्रा 4X4, ये आई थिंक 4,000 रुपए के थे एंड दीज आर वेरी यूजफुल गाइस, ये पकड़ के गाड़ी में चढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, सिंस ये व्हील्स लगने के बाद हमारी थार थोड़ी सी और ऊंची हो गई है। अब आप लोग एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि भाई ये क्या लगा हुआ है, सो गाइस दीज आर सुपर ट्वीटर्स, ये दोनों साइड लगे हुए हैं। हमारी गाड़ी में पूरा ऑडियो अपग्रेडेड है, ये हमारे अनुराग भाई ने करा था फ्रॉम नीड फॉर साउंड एंड इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग मुझे अभी याद नहीं है, आई थिंक 1.4-1.5 लाख के आसपास थी, मैं एग्जैक्ट प्राइसिंग इस वक्त स्क्रीन पर लगा दूंगा। एंड पीछे जो आपने एक्स्ट्रा कैमरा देखा वो इसका है, अब आप देख रहे हो इसमें शीशा नहीं है हमारे मिरर में, बिकॉज दिस इज अ स्क्रीन गाइस, इसमें डैश कैम लगा है। हमारी गाड़ी 24 घंटे चलाते हुए आगे भी रिकॉर्ड करती है, पीछे भी रिकॉर्ड करती है, पीछे वाला कैमरा रिकॉर्ड भी करता है एंड वर्क्स एज अ रियर व्यू मिरर ऑल्सो। मैं फटाफट से 1 सेकंड गाड़ी ऑन करता हूं तो आप लोगों को दिखेगा, ये देखिए ये रियर व्यू मिरर की तरह भी एक्ट करती है, ये 24 घंटे रिकॉर्ड भी करता रहता है आगे भी पीछे भी, इसके पीछे फ्रंट में भी कैमरा लगा हुआ है एंड ये पीछे भी रिकॉर्ड करता है एंड सिंस हमारा टायर कैरियर लगा हुआ है तो पीछे की विजिबिलिटी बहुत लो है, आप लोग देख सकते हो, तो ये एक रियर व्यू मिरर की तरह एक्ट करता है, दिस इज वेरी यूजफुल अगर आपने में टायर कैरियर लगा हुआ है। तो अब गाड़ी ऑन हो ही गई है तो हमारी इंटीरियर लाइट्स भी आपको दिख रही होंगी, हमारे जी वैगन वाले इवेंट्स में भी आपको लाइट्स दिख रही होंगी, पता नहीं कैमरा पिक कर रहा हो अभी ना कर रहा हूं। एंड डैश कैम की मैं प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी कॉस्ट है 16,000 रुपए एंड ये भी हमने लगवाया था बिम्ब्रा 4X4 से ही। और अगर हम इस तरफ आ जाए तो आप देख सकते हो हमारी गाड़ी में दोनों एम्पलीफायर्स लगे हैं, एक इधर एक उधर एम्पलीफायर लगा हुआ है। सो ये पूरा ऑडियो सेटअप है, इसकी भी थोड़ी सी मैं क्लिप्स लगा दूंगा यहाँ पर एंड इट इज बैंगिंग गाइस, बहुत ही अच्छी आवाज आती है एंड SQL सेटअप है ये, प्राइसिंग आप लोगों ने स्क्रीन पर देखी ली थी। सो या इंटीरियर में अभी तक हमने यही कराया, हमने डेड पेडल वगैरह नहीं लगाया, हम पहले लगाने की सोच रहे थे बट मेरे पैर बहुत बड़े हैं, 11 नंबर का जूता पहनता हूं मैं तो भाई वो अटक रहा था थोड़ा सा। एंड हमने सेंट्रल आर्मरेस्ट भी लगाया था बट हमने वो भी उतार दिया बिकॉज मेरी ब्रॉडनेस बहुत ज्यादा है। एंड इसका इंटीरियर अभी होना है गाइस, सजेशंस आर वेलकम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका इंटीरियर कैसा करें। मैंने दो ऑप्शंस वैसे नैरो डाउन करें, एक वाइन रेड
या फिर ब्लैक लेदर, तो ये दोनों ऑप्शन मैंने सोचे हैं। अगर आपको कुछ अच्छा और लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें सजेस्ट करना कि हम क्या इंटीरियर कराएं। और भी चीजें होती है, बहुत सारा कुछ होता है, कार्बन फाइबर डिप, ये वो, आजकल थार के इंटीरियर के साथ बहुत सारा कुछ हो रहा है, कई इंटीरियर बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं। सो या योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। एक और चीज गाड़ी में हुई है जो आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, इसके तो वैसे दरवाजों में स्पीकर्स है नहीं, बट स्टिल हमने गाड़ी पूरी डैम्पिंग कराई हुई है, दोनों दरवाजे डैम्प हो रखे हैं, एंड ये छत वाला ये पार्ट हो रखा है मिडिल वाला, सारा इंटीरियर डैम्प हो रखा है, गाड़ी पूरा फ्लोर डैम्पिंग हो रखी है। आई थिंक अगर मैं ये उठाऊंगा तो ये देखो आपको यहाँ नीचे थोड़ी बहुत डैम्पिंग दिख भी रही होगी। सो या पूरा फ्लोर वगैरह डैम्प हो रखा है, एंड इस डैम्पिंग की भी कॉस्टिंग म्यूजिक सिस्टम के प्राइस में इंक्लूडेड है। अभी मैट्स उठाई थे तो भाई इसकी भी प्राइस बताता हूँ, दीज आर ऑफ रोड एंड वेरी रगेड मैट्स बाय बिमरा 4x4 ओनली, इसकी कॉस्टिंग थी 6,500 रुपए, बट दीज आर वेल वर्थ द मनी गाइस। कितना भी मैट्स को अब्यूज कर लो ये कुछ भी नहीं कहते, इजिली साफ हो जाते हैं एंड वेरी इजी टू मेंटेन एंड अ मस्ट हैव इन योर थार। तो गाइस ये है वर्जन 1 हमारी थार का, इसमें मेनली कॉस्मेटिक मॉड्स हो रखे हैं, एंड इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अभी हमने इसमें परफॉर्मेंस मॉड्स क्यों नहीं शुरू करे, क्योंकि भाई सस्पेंशन किसी अच्छे ब्रांड का नहीं आया अभी थार के लिए, इंडिजिनियस बन रहे हैं। मैंने देखा किसी ने 4 इंचेस भी लिफ्ट करी है थार, एंड उस पर 35 इंच टायर्स 38 इंच टायर्स भी लगाए हैं। मैंने अभी वीडियोज में ही देखी है वो, मैंने पर्सनली चला के नहीं देखी तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट इट लुक्स रियली सिक, रियली ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग लगती है। सो या वो भी एक ऑप्शन है, बट अभी उसमें क्लियर नहीं है कि कंपोनेंट्स किस कंपनी के लगे हैं, क्या चीज उन्होंने इन हाउस मैन्युफैक्चर करी है, क्या चीज कहां से इंपोर्ट करी है, शॉकर्स क्या ब्रांड है, अभी इतना कुछ क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक जिन्होंने वो बिल्ड करी है मुझे उनसे बात करके थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, अगर वो अच्छी लगी तो हम वो डाल देंगे, नहीं तो मैं वेट करूंगा कि कोई रिप्यूटेड ब्रांड जैसे प्रो फेंडर या आयरन मैन या ऐसा कोई स्टार के लिए बना दे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। मेरा मन वैसे 4 इंचेस के लिए नहीं है डालने का, क्योंकि 2 इंचेस से ऊपर अगर आप अपनी गाड़ी लिफ्ट करते हो तो उसमें बहुत सारी चेंजेस करने पड़ते हैं, डिप ड्रॉप किट लगानी पड़ती है, हाईवे डायनामिक्स बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, तो इस चक्कर में मैं वैसे 2 इंचेस लिफ्ट के एवज में हूं, बट वो 4 इंचेस वाली बहुत क्रेजी लगती है। जिन्होंने बिल्ड करी उनसे बात जरूर करूंगा, एंड देखते हैं वी माइट इवन गो फॉर दैट ऑल्सो। एंड वंस अगेन भाई दिस इज वर्जन 1, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड, वर्जन 2 आने वाला है जिसमें क्रेजी अपग्रेड्स होने वाले हैं, दैट विल बी मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। फिर वर्जन 3 आएगा उसमें और क्रेजीनेस होती रहेगी, फिर 4 आएगा उसमें और क्रेजीनेस होती रहेगी, वी माइट इवन टर्न दिस थार इनटू अ हार्डकोर रॉक क्रॉलर। बहुत कुछ आने वाला है भाई, मेक श्योर यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिस ना करो, अगर सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकॉन जरूर दबा देना। उत्सव भाई सारी प्राइसेस सब लगा देना, सॉरी वीडियो खत्म करने से पहले भाई फाइनल प्राइस आप लोग अब जानना चाह रहे होगे। अभी इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके अभी कुछ मुझे कंपोनेंट्स के प्राइसेस याद नहीं है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस वक्त स्क्रीन पर इस गाड़ी का एग्जैक्ट फाइनल प्राइस लगा दूंगा कि मेरे को क्या कॉस्ट करी ये थार ऐसी बनाने में, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि ऐसी थार रेडी करने में कितने पैसे लगते हैं। तो अब इस वीडियो करते हैं एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टीम तक यार बाय बाय गाइस। वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए सेविंग्स की जर्नी विद ऑनलाइन तलाइवा।